नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल इंडियन रेसिपीज विद सीमा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंस्टेंट अचार बना रहे हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, 10 से 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखें। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो फ्रेंड्स, देर किस बात की, चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हम इसे बनाने के लिए 3 गाजर और हरी मिर्च लिया है और नींबू। यदि आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद नहीं करते तो कम तीखी वाली हरी मिर्च ले लें। इनको हम सुखाकर ही लेंगे, इसमें ये एक्स्ट्रा नमी नहीं होना चाहिए। यदि एक्स्ट्रा नमी है तो 10 से 15 मिनट के लिए आप फैन के नीचे रख दें। गाजर का अंदर वाला हार्ड वाला पोर्शन निकाल कर अलग कर देते हैं हम। इसी तरह से हरी मिर्च का भी खराब खराब हिस्सा काट कर अलग कर दें। ऐसे में हमारा अचार ज़्यादा दिन तक टिक पाएगा, यदि इसका खराब पोर्शन अलग कर देंगे तो। और यदि इसमें नमी होगी तो हमारा अचार ज़्यादा दिन तक के लिए नहीं चल पाएगा, इसलिए हमें सुखाकर ही इस वेजिटेबल्स का यूज़ करें। इस तरीके से हरी मिर्च को काट कर यूज़ करें। इसके डालने के लिए हमने 3 से 4 नींबू लिया है। नींबू का रस ऐड करेंगे इस अचार में हम। अब कुछ मसाले को हम रोस्ट करते हैं। इसके लिए 2 टेबल स्पून राई लिया है। राई को मीडियम टू स्लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे इसको रोस्ट करेंगे। ज़्यादा इसको जलाना नहीं है, नहीं तो कड़वा हो जाएगा ये। राई अच्छे से रोस्ट हो चुकी है, 1 से 2 मिनट में ये रोस्ट हो जाती है। और अब इसमें हम 1 टेबल स्पून जीरा ऐड करते हैं, 1 टेबल स्पून सौंफ ऐड करते हैं। सौंफ डालने से अचार में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इसमें 1/2 टेबल स्पून खड़ा साबुत धना ऐड करेंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू स्लो फ्लेम पे चलाते हुए रोस्ट करना है। जब ये मसाला अच्छे से भुन जाता है तो इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है। यदि आप इसको ज़्यादा जला देंगे तो इससे हमारा अचार कड़वा लगने लग सकता है, इसलिए इसको जलाना नहीं है, इसको खड़े होकर कंटिन्यू चलाते रहें। ये हमारा पूरा मसाला अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया। जब ये ठंडा हो गया है तो इसका हम मिक्सर में पाउडर तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से अचार में हम मसाला डालते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अब फ्राई पैन में हम लगभग आधा कप इसमें सरसों का ऑयल ऐड करते हैं। कोई भी अचार हो तो सरसों के ऑयल में ही अच्छा लगता है। सरसों के ऑयल में बहुत ही अच्छा फ्लेवर रहता है जो अचार को स्वादिष्ट बनाता है। इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे गरम कर लिया है ऑयल को। ऑयल जब गरम हो गया है तो गैस का फ्लेम स्लो कर दें और इसमें हरी मिर्च और गाजर ऐड कर देते हैं। यदि आप लहसुन खाना पसंद करते हैं तो लहसुन भी ऐड कर सकते हैं, या मौसम के अनुसार ठंड के दिनों में इसमें मूली भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है फ्रेंड्स खाने में सच में ये अचार। आप खाने के साथ इसे ज़रूर मांगेंगे, एक बार ज़रूर ट्राई करिए इसको। इसे मीडियम टू स्लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए पकने दें। इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, थोड़ा सा क्रंचीनेस होना चाहिए तभी अचार कोई भी अच्छा लगता है। अब इसमें 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड करते हैं। नमक स्वाद अनुसार ऐड करें। अचार में थोड़ा सा नमक ज़्यादा रखें तभी अचार ज़्यादा दिन के लिए टिकता है। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर दें, नहीं तो आप कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर दें, गैस का फ्लेम स्लो पे ही रखें। इसमें 1/4 टेबल स्पून हींग ऐड करते हैं। हींग डालने से हमारा अचार बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा खाने में। डायरेक्ट ऑयल में हमको हींग नहीं डालना है, ये जो हमने पाउडर तैयार किया है इसको ऐड कर दें। और इसमें हम नींबू का
जूस ऐड कर देंगे। नींबू का जूस आप स्वाद के अनुसार ऐड करें। अभी आप कम कर दें और यदि आपको लगता है कि कम है तो आप स्वाद के अनुसार इसमें कभी भी अचार बनने के बाद भी ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर दें। हमको थोड़ा सा नींबू का रस और डालना होगा। फ्रेंड्स, इसमें नमक और नींबू का रस आप स्वाद के अनुसार बाद में भी ऐड कर सकते हैं। गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। ये अचार बनकर तैयार हो गया है और जब ये ठंडा हो जाए तो इसे आप कोई भी एयरटाइट कंटेनर, कांच या प्लास्टिक के जार में इसको स्टोर करें। ये आराम से आप एक महीने तक इस अचार को खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई करें। और फ्रेंड्स, जो भी मैं किचन प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, आप ज़रूर देखें एक बार उसमें जाकर। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें।